हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, मैं उस लेक्चर का नाम है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम इसे नेहरू मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वन बाय वन करके प्रथम मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ और मैं इसका कलर कर लेता हूँ रेड। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक का नाम है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद 1947 में। तो 1947 से ये साफ होता है कि हमारा पहला मंत्रिमंडल जो बना था, हमारा पहला मंत्री परिषद जो था, वह 1947 में गठित हुआ था। हमारा पहला मंत्री परिषद 1947 में बनाया गया था। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ाद हो गया था। तो किसी देश को चलाने के लिए किसी एक सरकार की आवश्यकता होती है। मतलब जब कोई देश आज़ाद हो जाता है तो उसे चलाने के लिए किसी न किसी सरकार की आवश्यकता होती है, जो देश के हित और जनता के हित में फैसला ले सके, जो जनता के हित के बारे में सोच सके और जनता के हित में फैसला ले सके। तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ, तो मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने वाइट पेज की तरफ। तो ये है हमारा वाइट पेज। तो मैं आपको समझाता हूँ अब अच्छे से। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक घर है। अब ये घर हो गया। अब इस घर को चलाने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जिसे मुखिया कहते हैं। जिस प्रकार किसी घर को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए कैबिनेट मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। अब देश बहुत बड़ा है तो हमारे मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या भी बहुत अधिक होगी। जैसे घर छोटे छोटे तौर पर एक घर को मान लीजिए, अगर घर को चलाने के लिए एक मुखिया आवश्यकता होती है, एक मुखिया की, तो किसी देश को चलाने के लिए भी मंत्रियों की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण हमारे देश में भी 1947 में मंत्री परिषद का गठन किया गया। तो आइए चलते हैं और अपने मंत्रियों के बारे में वन बाय वन करके जानते हैं कि कौन से मंत्री के पास क्या पद था और कौन से मंत्री को क्या पद दिया हुआ था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। तो हमारे पहले मंत्रिमंडल में हमारे देश के प्रधानमंत्री को 1947 में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहर लाल नेहरू जी को बनाया गया। ये और चलते हैं आगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत की पहली मंत्री परिषद कैसा था? तो आइए चलते हैं वन बाय वन करके आजाद भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री परिषद के बारे में जानते हैं और सभी मंत्रियों के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री परिषद के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री परिषद में जो जो सदस्य थे, तो उनके नाम इस प्रकार हैं। हमारे मंत्री परिषद में पहला नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। दूसरा नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तीसरा नाम आता है सरदार बलदेव सिंह जी का। चौथा नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का। पांचवा नाम आता है डॉक्टर जॉन मथाई जी का। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो छठा नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। सातवां नाम आता है जगजीवन राम जी का। आठवां नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। नौवां नाम आता है राजकुमारी अमृत कौर जी का। दसवां नाम आता है रफ़ी अहमद किदवई जी का। ग्यारहवां नाम आता है आर के षणमुगम सेट्ठी जी का। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
12वां नाम आता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, और 13वां नाम आता है पीएन गाडगिल जी का, और 14वां नाम आता है सीएच भाभा जी का। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत की पहले मंत्री परिषद में 14 लोगों ने शपथ ली थी। जो हमारा 1947 में प्रथम मंत्री परिषद बना था उसमें 14 पर्सन्स ने, 14 मतलब 14 लोगों ने, 14 लोगों ने शपथ ली थी। उस मंत्री परिषद के अंदर 14 मेंबर्स थे। तो आइए चलते हैं इन 14 मेंबर्स के बारे में, जानते हैं कि इनके पास क्या-क्या पद इन्हें दिए गए थे। तो हमारा पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं यहाँ से पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ, अच्छे से विजिबल होगा। तो आइए चलते हैं पहले नाम की तरफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये फोटो नीचे दिया गया है, हम इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इनका इनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। तो ये हमारे पहले विदेश मंत्री भी बने, और इन ये पहले वैज्ञानिक शोध मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हमारे देश के प्रथम थे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। गृह मंत्री को हम होम मिनिस्टर कहते हैं, और यही हमारे देश के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बने। वर्तमान में हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो हैं अमित, होम मिनिस्टर हैं हमारे वर्तमान में अमित शाह जी, अमित शाह जी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सरदार बलदेव सिंह जी। सरदार बलदेव सिंह जी स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। जो प्रथम रक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के वो थे सरदार बलदेव सिंह जी, और वर्तमान में हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, मौलाना, चौथा नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम जी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर मौलाना अब्दुल कलाम जी ने शपथ ली, और ये पहले शिक्षा मंत्री बने। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये है डॉक्टर जॉन मथाई जी। डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे। डॉक्टर जॉन मथाई जी हमारे देश के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये है इनकी फोटो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के पद के तौर पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही शपथ ली। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इनका नाम है जगजीवन राम जी। जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। ये इस कैबिनेट परिषद में सबसे युवा नेता थे। इनका नाम है जगजीवन राम जी, ये पहले श्रम मंत्री बने थे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इन्हें संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। इन्होंने संविधान लिखा था हमारा भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है। इन्हें ही ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, राजकुमारी अमृत कौर जी। ये इस मंत्री परिषद की एकमात्र महिला हैं, राजकुमारी अमृत कौर जी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। राजकुमारी अमृत कौर जी स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ,
नेक्स्ट है रफी अहमद किदवई जी। रवि अहमद किदवई जी को स्वतंत्र भारत का प्रथम संचार मंत्री बनाया गया। रफी अहमद किदवई जी स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री बने। संचार मंत्री के तौर पर रफी अहमद किदवई जी ने शपथ ली संचार मंत्री। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आर के षणमुगम सेट्टी जी। आर के षणमुगम सेट्टी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ये षणमुगम सेट्टी जी की फोटो दी हुई है। तो वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीता रमन जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत की प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी। इनकी फोटो दी हुई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वीएन गाडगिल जी। वीएन गाडगिल जी स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री वीएन गाडगिल जी थे। इनकी फोटो दी हुई है साइड में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये हैं सीएच भाभा जी। सीएच भाभा जी स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री थे। तो सीएच भाभा जी वाणिज्य मंत्री बने। भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री सीएच भाभा जी बने जिनकी ये फोटो दी हुई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ हो जाती है हमारी वीडियो, हमारा हो जाता है लेक्चर समाप्त। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।